यस नाउ वी हैव यस बेटा बटर दी क्रॉस पॉलिनेशन है ना, आज कंप्लीट करते हैं। यस क्रॉस पॉलिनेशन में बेटा वी हैव टॉक्ड, वी हैव स्टडीड हेमोफिली, यस है ना, हेमोफिली वी हैव स्टडीड। हमने हाइड्रोफिली की बात कर ली बेटा, यस है ना, हमने बात कर ली बेटा एंटोमोफिली, यस। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बेटा ये तीन ही ना क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, आपके लिए है देखते हैं। एंटोमोफिली में हमने कोएवोल्यूशन की बात की है ना, तो पढ़ा होगा, बहुत इजी। नेक्स्ट है बेटा ऑर्निथोफिली, यस ऑर्निथोफिली मतलब अ मोड ऑफ एलोगैमी है ना, अ मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्या है पॉलिनेशन थ्रू द एजेंसी ऑफ बर्ड्स, बहुत इजी है सुनना बस ध्यान से, थ्रू द एजेंसी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के थ्रू हो रही है बेटा जो क्रॉस पॉलिनेशन, उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली है ना। अ मोड ऑफ एलोगैमी अबेटेड बाय बर्ड्स परफॉर्म्ड बाय बर्ड्स इज ऑर्निथोफिली, यस। अब बेटा सुना ध्यान से, इसमें क्या है, पहले तो बर्ड्स के करैक्टर देखो, बर्ड्स के करैक्टर क्या है, बर्ड्स शुड बी इन स्मॉल साइज, साइज क्या होना चाहिए स्मॉल है ना, और बीक, बीक क्या होनी चाहिए बेटा लॉन्ग, समझा रही नहीं आ रही, तो लग रहा नहीं तो लग रहा एक मिनट जब हम बर्ड की बात करते हैं, बर्ड्स के करैक्टर क्या होने चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए और बीक क्या होनी चाहिए बर्ड की, लॉन्ग होनी चाहिए। तो बर्ड्स तो बहुत है बेटा जो पॉलिनेट करती हैं, बट मोस्ट कॉमन हम बात करें, मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर, दो तरह की बर्ड्स होती है बेटा, एक तो है बेटा सन बर्ड्स, सुना ना, बड़े कॉमन है वो, पर्पल से कलर की बर्ड होती है बेटा है ना, बहुत कॉमन है ये सन बर्ड्स इन अफ्रोएशिया एंड हमिंग बर्ड, यस एंड हमिंग बर्ड्स, दो तरह की बर्ड है बेटा, बहुत कॉमन है, विच आर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिनेशन, समझा रही है नहीं आ रही, इजी होगा। अब नेक्स्ट है बेटा करैक्टरिस्टिक्स, यस करैक्टरिस्टिक फीचर्स, फीचर्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के करैक्टरिस्टिक फीचर्स, समझा रही नहीं आ रही, सुनना ध्यान से, बहुत इजी है। फ्लावर के करैक्टर जैसे फर्स्ट है, सुनना ध्यान से, फ्लोरल पार्ट्स क्या होंगे लेदरी, सुनना ध्यान से, फ्लोरल पार्ट्स क्या होंगे बेटा लेदरी होंगे है ना, लेदरी क्यों होंगे, बर्ड के वेट को बियर करना है ना, थोड़े क्या होंगे फ्लोरल पार्ट से लेदरी होंगे। सेकंड ब्राइटली कलर्ड होंगे, यस फ्लोरल पार्ट्स आर ब्राइटली कलर्ड, समझा रही नहीं आ रही, फ्लोरल पार्ट्स आर ब्राइटली कलर्ड, समझा रही नहीं आ रही, सुनना ध्यान से। नेक्स्ट है नेक्टर, यस जो नेक्टर है बेटा, नेक्टर इज प्रोड्यूस्ड मच इन अबंडेंस, नेक्टर की बेटा अमाउंट बहुत है ना, नेक्टर इज प्रोड्यूस्ड मोर देन दैट ऑफ एंटोमोफाइलस फ्लावर है ना। उन्हें एक फ्लावर है बेटा है ना, उस फ्लावर को एक तो विजिट करना है इंसेक्ट ने, एक स्पोज विजिट करना है बर्ड ने, इंसेक्ट ज्यादा नेक्टर सेक करेगा या बर्ड ने ज्यादा नेक्टर सेक करना, बर्ड ने नेक्टर ज्यादा सक करना है ना, तो नेक्टर भी क्या हो रहेगा,
ना, नेक्टर इज प्रोड्यूस्ड मच इन अबंडेंस, ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू एंटोमोफाइलस फ्लावर। समझा रही नहीं यार, जैसे कि एग्जांपल ले लूं मैं, दो प्लांट है बेटा, अरेदरीना एंड ग्रेविलिया, बड़ी पॉपुलर एग्जांपल है। ये प्लांट ऐसे है बेटा, अगर मैं इनकी ब्रांचेस को शेक करूं तो नेक्टर की ड्रॉप्स गिरती। समझा देख रही यार, ये जो दो प्लांट है बेटा, इनकी अगर मैं ब्रांचेस शेक करूं तो ब्रांचेस से क्या गिरेंगे बेटा, नेक्टर की ड्रॉप्स गिरती हैं व्हेन ब्रांचेस आर शेकन। समझा रही है नहीं यारी, नेक्टर है जो बेटा, नेक्टर बनता है मच इन अबंडेंस। समझा रही नहीं यारी, किससे ज्यादा बनता है, एंटोमोफाइलस फ्लावर से बनता है। किससे बनता है, एंटोमोफाइलस फ्लावर से ज्यादा बनता है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से, सेंट इज एब्सेंट, सेंट इज एब्सेंट, सेंट नहीं होता बेटा। सुनना ध्यान से, जो बर्ड्स होती हैं बेटा, सुनना ध्यान से, बर्ड की सेंस ऑफ स्मेल बहुत पुअर होती है ना, किंगडम एनिमेलिया में पढ़ा है ना। ऑप्टिक लोब्स क्या होती हैं, बहुत स्ट्रांग, दिख तो जाता है उनको, बहुत दूर से दिख जाता है उनको, है ना। तो उनकी जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होती हैं, सेंस ऑफ स्मेल होती है जो बर्ड्स की, वो बहुत पुअर होती है। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फ्लावर्स विच आर पॉलिनेटेड बाय बर्ड्स। समझा रहे नहीं यार, बर्ड्स के फीचर क्या है, बर्ड स्मॉल साइज की होनी चाहिए, बीक लॉन्ग होनी चाहिए। समझा रहे नहीं यार, पता लग रहा नहीं, पता लग रहा, बहुत इजी है, सुनना ध्यान से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है बेटा, कायरो पैरोफिली। कायरो पैरोफिली ज्यादा डिटेल में नहीं है, थोड़ा भी देखते हैं। कायरो पैरोफिली मीन्स अ मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। यस, अ मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन नेशन, है ना, थ्रू द एजेंसी ऑफ बैट्स, थ्रू द एजेंसी, यस एजेंसी ऑफ बैट्स, बैट्स के थ्रू हो रही है बेटा, दैट इज कायरो पैरोफिली, है ना। तो बैट्स क्या होती हैं, बैट्स नॉक्टर्नल होती है बेटा, पता है कि नहीं, दे आर नॉक्टर्नल फ्लाइंग मैमल्स है, क्या बोल देते हैं, फ्लाइंग मैमल्स बोल देते हैं। सुनना ध्यान से, अब करेक्टरिस्टिक फीचर्स, करेक्टरिस्टिक, यस करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फ्लावर। फीचर्स किसके, फ्लावर की बात करते हैं, है ना। फ्लावर क्या होंगे, सुनना ध्यान से, डल कलर्ड, पता है कि नहीं, यस जो बैट्स होती है बेटा, है ना, उनकी उनको दिखाई नहीं देता, समझा रही नहीं, उनका विजन बड़ा पुअर है, समझा रही। तो फ्लावर क्या करेंगे, कलर बनाने की जरूरत नहीं है, क्या होते हैं, डल कलर के होते हैं, नॉक्टर्नल है ना, नॉक्टर्नल है तो कलर की तो जरूरत नहीं है। फ्लावर क्या होंगे बेटा, डल कलर्ड, है ना, विद स्ट्रॉन्ग, सुनना ध्यान से, स्ट्रॉन्ग फ्रूटी एंड फर्मेंटिंग स्मेल, फर्मेंटिंग स्मेल, समझा रही है, नहीं डल कलर के होंगे, नॉक्टर्नल है ना, स्ट्रॉन्ग फ्रूटी एंड फर्मेंटिंग स्मेल होती है उनकी, जो किसको उनसे अट्रैक्ट करती है, बैट्स को अट्रैक्ट करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्टर जो होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन मच मच अबंडेंस, नेक्टर बहुत ज्यादा बन रहा है बेटा, ऑर्निथोफाइलस फ्लावर से भी ज्यादा। यहां ब्रांचेस शेक करने की जरूरत नहीं है, नेक्टर बन बन के अपने आप ही क्या होता है, ड्रॉप्स गिरती है। समझा रही नहीं यारी, रीजन से बर्ड ने नेक्टर सक करना है ज्यादा, सन बर्ड ने ज्यादा नेक्टर सक करना है, या बैट ने करना, बैट ने करना है, तो नेक्टर जो बनेगा बेटा, यस कारोटेरोफिली में ऑर्निथोफाइलस फ्लावर से ज्यादा नेक्टर बनता है। समझा रही नहीं यारी, बहुत ईजी है। तो दीज आर दी करेक्टरिस्टिक फीचर, ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा सिलेबस में नहीं है। ऑर्निथोफिलिया, कैरोप्टेरोफिलिया, मेलाकोफिली, है ना, मेलाकोफिली में क्या होता है, पॉलिनेशन थ्रू दी एजेंसी ऑफ स्नेल्स, वो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, वो बस इतना ही है सिलेबस में। तो ये तो है बेटा क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, दिस इज ऑल क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में अनीमोफिलिया, हाइड्रोफिलिया, एंटोमोफिलिया, ऑर्निथोफिलिया, कैरोप्टेरोफिलिया, समझा रही है नहीं यारी, पता लग रहा नहीं, तो लग रहा, सुनना ध्यान से।
सुनना होता नहीं मुझे, बहुत ईजी है। नाउ नेक्स्ट है बेटा पॉलिनेशन में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। यस दिस इज इंपॉर्टेंट, आउट ब्रीडिंग यस डिवाइसेस। कॉन्ट्रीवेंसेस टू एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। कॉन्ट्रीवेंसेस टू एंश्योर, यस टू एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस सुनना ध्यान से, मतलब देखो देखो सेल्फ पॉलिनेशन भी है क्रॉस पॉलिनेशन भी है, ज्यादा एडवांटेज इसकी है क्रॉस पॉलिनेशन की, है ना। तो प्लांट क्या करता है बेटा, वो अलग अलग तरह की डिवाइसेस, अलग अलग तरह के तरीके अडॉप्ट करता है टू एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, ताकि सेल्फिंग ना हो। किसको प्रमोट करे, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करे। समझा नहीं रही यार, पता लग रहा नहीं, पता लग रहा। तो वो हमने डिवाइसेस पढ़ लिए, कॉन्ट्रीवेंसेस टू एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ लिए, है ना। तो सबसे पहले है बेटा डिवाइस, सुनना ध्यान से, सबसे पहले है बेटा डाइक्लाइनी, सुनता जाना ध्यान से। डाइक्लाइनी मीन्स यस यूनिसेक्सुअलिटी, डाइक्लाइनी मीन्स यूनिसेक्सुअलिटी, मतलब फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल मीन्स यस मीन्स फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। बेटा अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल है, यस, तो क्या होगा, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, तो सेल्फिंग का तो कोई चांस ही नहीं है, है ना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑब्वियसली प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, बट यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, यस मे बी ऑन दी, क्या होते हैं ये, सेम प्लांट में भी हो सकते हैं। यस प्लांट क्या हो गया, लास्ट चैप्टर में पढ़ा हमने, ये प्लांट क्या हो गया, मोनोशियस। यस प्लांट क्या हो गया, ये मोनोशियस हो गया, जैसे मेज है, याद आ गया नहीं, मेल एंड फीमेल फ्लावर, यस मेल और फीमेल फ्लावर, मे बी ऑन दी डिफरेंट, ऑन दी डिफरेंट प्लांट। तो सेक्सुअली प्लांट क्या हो गई, सेक्सुअली प्लांट क्या हो गए, डायोशियस, क्या हो गए, डायोशियस हो गए। समझा रही नहीं आ रही, यस एग्जाम्पल जैसे पढ़े हमने, कौन सा हो गया, जैसे यस मलबेरी है, समझा रही नहीं आ रही, याद है डेट पाम, पपाया, बहुत है, समझा रही है नहीं आ रही, पता लग रहा है, बहुत ईजी है, इजी होगा कि नहीं होगा। सबसे पहली है आउटब्रीडिंग डिवाइस, आउटब्रीडिंग डिवाइस जो है बेटा सबसे पहली, दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी, क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी है, डाइक्लाइनी। अगर फ्लावर ही बेटा क्या है, यूनिसेक्सुअल है, ना, तो सेल्फिंग का तो कोई चांस ही नहीं है, समझा रही नहीं आ रही, यस। नेक्स्ट है बेटा डाइकोगैमी, है ना। सबसे पहले डिवाइस डाइक्लाइनी किसको प्रमोट कर रही है, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, आउटब्रीडिंग डिवाइस है। डाइकोगैमी में क्या होता है, सपोज फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, हर एक प्लांट में तो ऐसे होता ही नहीं, है ना। इफ प्लांट्स आर, इफ फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, इफ यस इफ फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, अगर फ्लावर क्या है बेटा, बाइसेक्सुअल है, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज टू प्रमोट आउट क्रॉस पॉलिनेशन। फर्स्ट इज यस प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री मींस यस बताया मैंने, एंथर मैच्योर्स, हेयर एंथर मैच्योर्स अर्लियर देन स्टिग्मा, यस मतलब जब पोलन है तो स्टिग्मा नहीं है, तो सेल्फिंग का चांस नहीं है ना। जैसे एग्जांपल ताई दी, जैसे यस सनफ्लावर, एक एंटोमोफिली में पड़ी एग्जांपल एंड सैल्विया,
दो एग्जाम्पल याद रखनी है, समझा नहीं लगे कि दो एग्जाम्पल याद रखनी है। ये भी हो सकता है स्टिग्मा मैच्योर अर्लियर देन एंथर, दैट इज प्रोटोगाइनी, दैट इज प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में क्या होता है बेटा? यस, प्रोटोगाइनी में क्या होता है? स्टिग्मा, यस स्टिग्मा बेटा, स्टिग्मा मैच्योर्स, यस अर्लियर देन एंथर, दिस इज प्रोटोगाइनी। समझा नहीं है? जैसे मिराबलेस, यस बहुत एग्जांपल्स है, जैसे बेटा मिराबलेस है ना, ग्लोरियोसा, प्लांटेगो, बहुत है, बहुत प्लांट है बेटा, एटसेट्रा। समझा नहीं आ रही? मतलब आउटब्रीडिंग का वाइस है ना, या तो फ्लावर ही क्या हो यूनिसेक्सुअल, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो, या तो एंथर पहले मैच्योर हो जाए, मतलब जब पोलन है तो स्टिग्मा नहीं है, जब स्टिग्मा है तो पोलन नहीं है। समझा रही है नहीं आ रही? दिस इज डाइकोगैमी, आउटब्रीडिंग डिवाइस है। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा, सुना ध्यान से, प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी में क्या होता है? सुना ध्यान से, पोलन ऑफ द सेम फ्लावर। समझा रही है? तो मैं बताऊंगा, सपोज ये क्या है बेटा, स्टिग्मा स्टाइल हो रही है ना, जिसके ऊपर दो तरह के पोलन है, एक तो सेम फ्लावर का पोलन है, ऐसे लिख दो, एक डिफरेंट फ्लावर का पोलन है ना, दोनों जर्मिनेट कर रहे हैं, बट पोलन ऑफ द डिफरेंट फ्लावर विल जर्मिनेट मोर रैपिडली देन द पोलन ऑफ द सेम फ्लावर, दिस इज कॉल्ड प्रीपोटेंसी, दिस इज कॉल्ड प्रीपोटेंसी। समझा रही है? सेम फ्लावर के पोलन नहीं, ऐसे नहीं जर्मिनेट नहीं कर रहे, जर्मिनेट तो कर रहे हैं, पर दूसरे फ्लावर का पोलन डिफरेंट, डी मींस हेयर डिफरेंट, एस मींस द सेम, सेम फ्लावर के पोलन है ना, डी होगा डिफरेंट फ्लावर के पोलन, डिफरेंट फ्लावर के पोलन दे जर्मिनेट मोर रैपिडली देन द पोलन ऑफ द सेम फ्लावर, दिस इज प्रीपोटेंसी। क्या बोलते हैं इसको? प्रीपोटेंसी। तो ऑब्वियसली समझा रही नहीं आ रही बात, ये भी किसको प्रमोट कर रहा है? आउटब्रीडिंग क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट कर रहा है। प्रीपोटेंसी की एग्जांपल, जैसे एग्जांपल यार सब में नहीं होता, जैसे एप्पल में होता है, बहुत पॉपुलर है एप्पल एंड ग्रेप्स। समझा नहीं आ रही? बहुत इजी है, समझा ध्यान से, ये तो है, चलो बात कर ली हमने प्रीपोटेंसी की। नेक्स्ट नेक्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइसेज, सेल्फ स्टेबिलिटी, यस जेनेटिक्स में भी आएगा बट आगे भी पढ़ाऊंगा आपको, सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होती है? पोलन ग्रेन्स ऑफ द सेम फ्लावर विल नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल्फ स्टेराइल जीन्स। समझा रही है? यस, पोलन्स ऑफ द सेम फ्लावर, यस विल नॉट जर्मिनेट, यस विल नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा ऑफ द सिमिलर फ्लावर, सेम फ्लावर है ना, जर्मिनेट नहीं करता। क्यों नहीं करता? रीजन क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल्फ स्टेराइल जीन्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल्फ स्टेराइल जीन्स। समझा नहीं आ रही? ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में इन कंपैटिबिलिटी, इन सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी में। समझा रही है? सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी में वहां करेंगे डिस्कस डिटेल में ज्यादा। सो फॉर द टाइमिंग है ना, याद रहेगा सेल्फ स्टेराइलिटी में मतलब पोलन ऑफ द सेम फ्लावर वो जर्मिनेट नहीं करता, क्योंकि क्या मैच करती है? सेल्फ स्टेराइल जीन्स होती हैं। जैसे बेटा इसकी एग्जांपल है, दो एग्जांपल याद रखो, टोबैको, टोबैको एंड पोटैटो, एग्जांपल तो और बहुत है ना, सेल्फ स्टेराइलिटी। नेक्स्ट बहुत इजी है, हो गया आउटब्रीडिंग डिवाइस है बेटा है ना, यस। नेक्स्ट वी हैव
नेक्स्ट है बेटा हेट्रोसाइली। यस बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करते हैं सारा। यस हेट्रोसाइली, हेट्रो मींस डिफरेंट, स्टाइल मींस स्टाइल की लेंथ, इट इज दैट इज, इसका मतलब क्या निकला फ्लावर्स, इसका मतलब क्या निकला विद डिफरेंट, यस विद डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल्स, विद डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल्स। गलत नहीं आ रही, ये दो तरह के होता हेट्रोस्टाइली है, जो दो तरह की है, एक तो है बेटा डाई हेट्रोस्टाइली, डाई हेट्रोस्टाइली मींस डाई मींस टू विद टू डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल, दो अलग अलग तरह की लेंथ है, समझा रही नहीं यार, दो अलग अलग तरह की लेंथ है स्टाइल की, सुनना ध्यान से। जैसे मैं एक एग्जांपल डाई हेट्रोस्टाइली की एग्जांपल बात करें प्राइमुला, यस एग्जांपल इज प्राइमुला, मैं ड्रॉ करता हूँ सुनो, ये देखो सपोज ये फ्लावर है, लॉन्ग स्टाइल शॉर्ट स्टेमस, इसको बोलते हैं पिनाइल, ये फ्लावर क्या हो गया पिनाइल। दूसरा फ्लावर है बेटा इसकी शॉर्ट स्टाइल है और पोलन और स्टेमन क्या है लॉन्ग, ये हो गया थ्रमाइल, इसको बोलते हैं बेटा थ्रमाइल। और पॉलिनेशन किसमें होगी एंथर एंड स्टिग्मा विच आर एट दी सेम हाइट, दिस प्रमोट किसको प्रमोट कर रहा है, यस क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ पॉलिनेशन के चांस कम है ना, यहाँ ज्यादा हो गए, समझा नहीं आ रही। डाई हेट्रोस्टाइली मींस क्या प्रमोट करता है, क्रॉस पॉलिनेशन विद टू डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल, है ना, लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग है पिनाइल शॉर्ट है थ्रमाइल, समझ नहीं आ रही कैसे होता है ये प्राइमुला में। अब एक है बेटा ट्राई हेट्रोस्टाइली, यस ट्राई हेट्रोस्टाइली मींस फ्लावर विद थ्री डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल, फ्लावर विद थ्री डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल इज ट्राई हेट्रोस्टाइली, यस। जैसे एग्जांपल है लाइथ्रम, लाइथ्रम में होता है ऐसे, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं सुनो ड्रॉ कर ले, थ्री मतलब लॉन्ग होगी है ना, मीडियम होगी बेटा है ना, और क्या होगी, और क्या होगी बेटा शॉर्ट होगी, यस लॉन्ग मीडियम एंड शॉर्ट, समझा रही है, तीन डिफरेंट टाइप की होगी लेंथ स्टाइल की। तो देखो स्टेमन्स यहां पे क्या होगी मीडियम एंड शॉर्ट, यहां क्या होगी लॉन्ग एंड शॉर्ट, यहां पे क्या होगी बेटा लॉन्ग एंड मीडियम, नजर नहीं आ रही। पॉलिनेशन कैसे होगी, यस बिटवीन स्टिग्मा एंड एंथर विच आर एट द सेम हाइट, यस दिस प्रमोट, क्या प्रमोट कर रहे हैं, क्या प्रमोट कर रहा है क्रॉस पॉलिनेशन, दिस प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, समझा रही है कि नहीं आ रही। आउटब्रीडिंग डिवाइस है बेटा, फ्लावर तो है बाइसेक्सुअल, चांसेस हैं ज्यादा किसके सेल्फ पॉलिनेशन के, पर प्लांट क्या कर रहा है बेटा अलग अलग तरह की डिवाइस ऑप्ट कर रहा है सो एज टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, कॉन्ट्रीवेंसेस टू एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन और ब्रीडिंग डिवाइस। लास्ट है बेटा इसमें हिप्पोगैमी, यस लास्ट है बेटा, लास्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस है बेटा, यस वी हैव हिप्पोगैमी, हिप्पोगैमी, हिप्पोगैमी क्या है, यस इट्स अ मैकेनिकल डिवाइस, क्या है बेटा इट्स अ, इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस विच प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, जरूरी नहीं है ये बेटा मैकेनिकल डिवाइस है तो क्या प्रमोट कर रही है,
क्रॉस पॉलिनेशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई है बहुत। चलो सबसे पहले मैं बात करूं एक्सट्रोज डिहेंसेंस, एक्सट्रोज डिहेंसेंस ऑफ एंथर है ना। एक्सट्रोज डिहेंसेंस का मतलब क्या होगा, डिहेंसेंस अवे फ्रॉम द स्टिग्मा, डिहेंसेंस ऑफ एंथर यस अवे फ्रॉम द स्टिग्मा। मैकेनिकल डिवाइस है, सपोज ये फ्लावर है, दिस इज स्टिग्मा, हियर इज एंथर, एंथर की डिहेंसेंस हो रही है बेटा यस अवे फ्रॉम द स्टिग्मा, पोलर ग्रेन यहां रिलीज हो गया, दिस इज एक्सट्रोज डिहेंसेंस, मैकेनिकल डिवाइस है ना। एक प्लांट है बेटा साइबेरियन मीडियम, यस साइप्रिपीडियम, साइप्रिपीडियम में क्या होता है सुनना ध्यान से, साइप्रिपीडियम में क्या होता है सुनना है। हेयर व्हाट हैपन, देखो सपोज हाइपोथेटिकली बनाता हूं, सपोज ये स्ट्रक्चर है, यहां पे दो ओपनिंग है, यहां से इंसेक्ट ने आना है, यहां से जाना है, सपोज करते है ना, ये एंट्री है, ये एग्जिट है, समझा नहीं आ रही। अगर यहां पे तो हो स्टिग्मा और यहां पे हो एंथर, तो क्या होगा, तो क्या होगा जब इंसेक्ट आएगा, सपोज ये इंसेक्ट विजिट कर रहा है तो यहां पे क्या शेड करेगा पोलन, जब जाएगा तो क्या लेके जाएगा, पोलन लेके जाएगा, समझा नहीं आ रही। यहां से पोलन लेके आ रहा है शेड कर, यहां से ज्यादा पोलन लेके जा रहा है, किसी और प्लांट पे विजिट करेगा, मतलब इन साइप्रिपीडियम स्टिग्मा लाइज इन द रूट ऑफ इंसेक्ट एंट्री एंड एंथर नियर द एग्जिट, दिस इज अ मैकेनिकल डिवाइस। वी अगर एंथर आए है ना तो अपने पोलन कहां पे शेड करे, स्टिग्मा पे, और अगर जब फ्लावर से जा रहा है तो साथ में क्या लेके जाए, इसके पोलन लेके जाए, समझा रही है यार, दिस इज द साइप्रिपीडियम मैकेनिकल डिवाइस है। एक मैंने आपको कराई है बेटा, यस क्या पढ़ाया था, यस क्या कराई थी बेटा, यस कैलोट्रोपस याद है, कैलोट्रोपस एंड ऑर्किड्स बताया था ना, हेयर पोलिनिया जो होता है याद है, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म, यहां पे क्या होता है बेटा ट्रांसलेटर मैकेनिज्म, मैंने वहां पे भी बताया था, विट्स अ मैकेनिकल डिवाइस, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म क्या है, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म है। पोलिनिया हेयर, पोलिनिया आर लिफ्टेड Only by the insects. समझा रही तो नहीं आ रही, बताया था कि नहीं, दिस प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, समझा रही तो नहीं आ रही, पता लग रहा नहीं पता लग रहा, इसे पोलिनिया को लिफ्ट कौन करेगा, ओनली इंसेक्ट्स, दे आर लिफ्टेड ओनली बाय द इंसेक्ट्स विच प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, अ मैकेनिकल डिवाइस विच प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, समझा रही नहीं आ रही, इजी होगा। एक एग्जाम्पल और है, उसकी जरूरत नहीं है ज्यादा, अरिस्टोलोकिया, अरिस्टोलोकिया में प्रोटोगाइनस फ्लावर होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटोगाइनी होती है, समझा रही नहीं आ रही, प्रोटोगाइनी का मतलब अरिस्टोलोकिया में, मैं फिर रिपीट करता हूँ, प्रोटोगाइनी होती है, समझा रही है, स्टिग्मा मैच्योर्स अर्लियर देन एंथर, तो लग रहा नहीं तो लग रहा, उसमें आ गया डाइकोगाइनी, समझा रही नहीं आ रही, इजी हो गया, दिस इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, समझा रही नहीं आ रही, बहुत ईजी है, आइडिया हो गया नहीं हो गया। तो आज हमने बेटा बात की आउटब्रीडिंग डिवाइसेज की, ऑर्निथोफिली की, कायरोप्टेरोफिली की है ना। आउटब्रीडिंग डिवाइसेज में क्या क्या आ गया मैं दोबारा रिपीट करता हूँ सुनना, सबसे पहले क्या अपनी डाइक्लाइनी यूनिसेक्सुअलिटी है ना, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो ऑब्वियसली क्या प्रमोट कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन, समझा रही नहीं आ रही। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर मे बी ऑन द सेम प्लांट और ऑन द डिफरेंट प्लांट, मोनोशियस भी हो सकता है, डायोशियस भी हो सकता है। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है नेक्स्ट है ना, तो एंथर मैच्योर्स अर्लियर देन स्टिग्मा, ये हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है, स्टिग्मा मैच्योर अर्लियर देन एंथर, दोनों केसेस में क्या होगा, जब पोलन है तो स्टिग्मा नहीं है, जब स्टिग्मा है तो पोलन नहीं है, दिस ऑल्सो प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन है ना। थर्ड में क्या था, प्री पोटेंसी, दूसरे फ्लावर के, यस दूसरे फ्लावर के पोलन जल्दी जर्मिनेट करते हैं देन द पोलन ऑफ द सेम फ्लावर, दिस इज प्री पोटेंसी एप्पल एंड ग्रेप्स में है ना। फिर थी सेल्फ स्टेरिलिटी है ना, पोलन ऑफ द सेम फ्लावर विल नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल्फ स्टेराइल जीन्स, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी में, चैप्टर के लास्ट में आएगा, समझा रही नहीं आ रही, आइडिया तो हो गया। उसके बाद है बेटा फिर हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली मीन्स फ्लावर विद डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल, तो पॉलिनेशन कैसे होगी है ना, वेयर स्टिग्मा एंड एंथर्स आर ऑन द आर एट द सेम हाइट, समझा रही है कि नहीं आ रही, पता लग रहा है नहीं पता लग रहा, तो डाई हेट्रोस्टाइली में तू
डाइहेड्रोस्टाइल में क्या था बेटा, दो अलग अलग तरह की थी लेंथ स्टाइल की, समझा रहे कि नहीं यार, पिन हाइट और थंब हाइट, समझा रहे। ट्राइहेड्रोस्टाइल में तीन अलग अलग तरह की हाइट है, लॉन्ग मीडियम एंड शॉर्ट, समझा रहे कि नहीं यार, इजी हो गया। तो पॉलिनेशन कहाँ हो रही है, वेयर स्टिग्मा एंड एंथर आर एट दी सेम लेवल, समझा रही नहीं यार। लास्ट है बेटा हर्कोगैमी, हर्कोगैमी क्या मैकेनिकल डिवाइस है जो कि आप लोग नोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, समझा रही नहीं यार। एक्सट्रोज जो है सेंसर इंपॉर्टेंट है, सिप्रिपीडियम कैलोट्रॉपिक्स एंड ऑर्किड्स मैंने आपको पढ़ाया था, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म में, समझा रही नहीं यार। बहुत ईजी है बेटा, और निथोफिली पढ़नी है ना, पॉलिनेशन थ्रू द एजेंसी ऑफ बर्ड्स, कायरोप्टेरोफिलिया पॉलिनेशन थ्रू द एजेंसी ऑफ बैट्स, है ना। बर्ड्स के करेक्टर क्या है आप निथोफिली में, फ्लावर के करेक्टर क्या होंगे, इजी हो गया। दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनेशन, समझा दी। दो तीन लेक्चर लगा लिए बेटा, तीन लेक्चर लगा लिए मेरे को लगता है पॉलिनेशन के, है ना। तो मेरे को लगता है सफिशियंट है, तीन चार लेक्चर हो गए। तो अब लास्ट में पढ़ना क्या है, ये सारा पढ़ने के बाद एडवांटेज पढ़नी है, डिसएडवांटेजेस पढ़नी है बेटा, है ना। पढ़ लोगे एनसीईआरटी में लिखा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन की एडवांटेज क्या है बेटा, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, पढ़ लोगे। तो ये बेटा दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनेशन, समझाई नहीं यार। हमने क्या पढ़ लिया चैप्टर में, वी हैव स्टडीड, यस वी हैव स्टडीड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमस, वी हैव स्टडीड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल्स, है ना। देख रही है मेल गैमीट कैसे बनते हैं, फीमेल गैमीट कैसे बनता है, पॉलिनेशन कैसे हो रही है, समझा रही है नहीं यार। अब लास्ट में क्या होगा, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन, क्या पढ़ेंगे हम, फर्टिलाइजेशन, समझा रही नहीं यार बात। तो आज आप इतना ही करो बेटा, है ना, ठीक हो गया, अच्छी तरह से पढ़ना है, समझा रही नहीं यार, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, ठीक हो गया। चलो आज इतना ही करते हैं, ठीक है बेटा। अगर कोई डाउट है बेटा तो कॉल कर लेंगे, फोन करके पूछ लेना, ठीक है, चलो थैंक यू।